चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको बीएड से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। जी हाँ, बीएड का जो एडमिशन होता है उसके बारे में कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन देंगे। जी हाँ, झारखंड में जो 2021 में यानी जो इस साल जो एडमिशन होगा बीएड में, तो एडमिशन के लिए आप जानते हैं कि उसमें प्रवेश परीक्षा होता है। अभी जो रूल लगाया गया था, हर साल ये एंट्रेंस एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही उसमें एडमिशन किया जाता है बीएड में। तो इस साल आपको बता देते हैं कि इस साल आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, जो प्रवेश परीक्षा होती है, वो नहीं होगा। जी हाँ, क्यों नहीं होगा और किस कैसे एडमिशन होगा वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो नहीं होगा वो कोरोना को देखते हुए एग्ज़ाम नहीं लेने का भी फिलहाल ये पूरा क्लियर हो चुका है, निर्णय लिया गया है, ठीक है। और किस तरह से जो एडमिशन होगा वो आपको बता दें, तो वो आपका स्नातक का जो मार्क्स है, ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उस हिसाब से एडमिशन किया जाएगा। ये आपका एक न्यूज़ के माध्यम से आपको बता रहे हैं, पूरा आपका क्लियर बताते हैं। इसमें देख सकते हैं, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य के शिक्षा शास्त्र बीएड महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र 21-23 में स्नातक के अंकों के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया है। जी हाँ, ये आपका जो आपका स्नातक में जो मार्क्स है, ग्रेजुएशन को जो मार्क्स है, उस मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकालेगा और उसमें आप लोग का एडमिशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के अपडेट्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।